हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज हम वर्नियर कैलीपर के, के बारे में स्टडी करेंगे कि आप लोगों ने वर्नियर कैलीपर की मदद से रीडिंग को कैसे लेना होगा और किन किन चीज़ों की कौन कौन सी पैरामीटर आप लोग वर्नियर कैलीपर से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलीपर में कौन कौन से पार्ट्स है और उनके नाम क्या है और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे देखिए बेटा यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है इनके वर्नियर केली के दो स्केल होते हैं एक को हम कहते हैं मेन स्केल यहाँ पर ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इनको हम मेन स्केल कहते हैं और एक स्केल ये है जो कि स्लाइड हो रहा है देखिए मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट एंड राइट की तरफ स्लाइड करता है ये वाला स्केल तो इसको हम कहते हैं ये वर्नियर स्केल है या इसको स्लाइडिंग स्केल भी आप लोग कह सकते हैं ठीक है तो इन दो स्केल्स को अगर आप लोग ग़ौर से देखें तो ये जो मेन स्केल है ये मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर में होता है और अभी इस वर्नियर कैलिपर में ये तकरीबन ट्वेंटी सेंटीमीटर तक आप लोगों को ये लेंथ मेजर करके दे सकता है ठीक है और अगर आप लोग यहाँ पर देखें वर्नियर स्केल में तो वर्नियर स्केल में ये डिविजन्स होते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता ठीक है ये ज़ीरो से लेकर टेन तक है लेकिन फिर इनके दरमियान भी एक एक डिजिट्स है तो मतलब ये है कि यहाँ पर ट्वेंटी डिवीजनस है कितने डिवीजन्स है ट्वेंटी डिवीज़न है इस वर्नियर कैलीपर के बाद वर्नियर कैलीपर ये डिवीजन टेन होते हैं अगर आप लोगों ने किसी भी वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट मालूम करना है लीस्ट काउंट से मतलब है कि आप मिनिमम कितनी मैयरमेंट कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं तो फिर उस मैर लीस्ट काउंट को फाइंड करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर जो एक डिवीज़न होता है जो लीस्ट होता है यानी यहाँ पर एक मिलीमीटर mm है तो वन मिलीमीटर को जब मैं टेन पर डिवाइड करूंगा तो जीरो पॉइंट वन मिली आ जाएगा यानी एक मिलीमीटर का दसवा हिस्सा लेकिन यहाँ पर चूंकि ट्वेंटी है तो जब मैं वन को ट्वेंटी पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरे साथ क्या आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव मिली आ जाएगा और यहाँ पर यह लिखा भी है ये किस लिए मैंशन है ये इसलिए मैंशन है ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वर्नियर ईयर कैलीपर का लीस्ट काउंट कितना है तो यहाँ पर है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव मिली ठीक है अच्छा अभी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं इसमें देखें ये लोअर दो जाज इसमें होते हैं इसको हम एक्सटर्नल जाज भी कहते हैं या लोअर जाज भी कहते हैं और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लोग अगर लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम इनके के दरमियान पर उसको रखते हैं ठीक है ठीके? या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लोग अगर एक्सटर्नल डाई फाइंड करना चाहते हैं लेट सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अगर एक्सटर्नल डाई मीटर में मालूम करूँगा तो मैं यहाँ पर इन जाज के दरमियान इसको रख दूँगा और इसको इस तरह क्लोज़ कर लूँगा तो फिर ये मुझे क्या देगा ये मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर देगा लेकिन अगर मैंने इसका इंटरनल डायमीटर मालूम करना है तो फिर हम ऊपर वाले दोनों जास को यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे इनको हम इस तरह क्लोज कर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के हम इस तरह अंदर करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे ठीक है तो अभी देखे मैंने इसको इसके अंदर ये क्लोज कर दिया है तो अभी जब मैं रीडिंग लूँगा तो ये इसका इंटरनल डायमीटर मुझे फाइंड कर दे के देगा अगर मैं यहाँ से अभी रीडिंग लूँगा अच्छा इसके अलावा आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ भी मालूम कर सकते हैं जिस तरह अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह रख दूँ और इसको क्लोज कर लूँ तो फिर अभी अगर मैं रीडिंग लूँगा तो ये मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ भी मैयर कर सकता है ठीक है और ये एक क्या है इसको हम लॉकिंग स्क्रू कहते हैं अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर इसको हम यहाँ से इस तरह लॉक करेंगे तो लॉक करने का मतलब ये है कि अभी ये स्लाइडिंग वाला स्केल यहाँ से देखे नहीं हिल रहा तो ये टाइट हो जाता है ठीक है अच्छा ये निब या पतला सा रॉड किस लिए यूज़ होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लोग डेप्थ यानी गहराई मालूम करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की गहराई मालूम करना चाहता हूँ तो मैं इसको इसके अंदर इस तरह कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम ये जहाँ तक इस तरह ये इंटर होगा और आखिर में देखें यहाँ तक ये कितना तक जा सकता है ये यहाँ तक यहाँ तक ये आ गया अभी जब मैं यहाँ से रीडिंग लूँगा तो ये इस ऑब्जेक्ट का मुझे डेप्थ यानी गहराई बताएगा कि इसकी गहराई कितनी है तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का लेंथ मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे और रीडिंग आप लोग कैसे लेंगे इसको आप लोग ज़रा ग़ौर से देखें एक बात अपने पास नोट कर ले कि हम वर्नियर के से दो रीडिंग सिर्फ लेंगे कितने रीडिंग्स लेंगे दो रीडिंग लेंगे और दोनों रीडिंग्स को आखिर में ऐड कर लेंगे वो हमारा फाइनल लेंथ होगा इस ऑब्जेक्ट का तो चले यहाँ पर देखे मैंने लिखा है कि एक मेन स्केल रीडिंग होगी हमारी और एक वर्नियर स्केल रीडिंग होगी ठीक है मेन स्केल रीडिंग आप लोग कैसे लेंगे यहाँ पर गौर से देखें आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ये मेन स्केल पर आप लोग देखें तो ये है यहाँ तक 10 मिलीमीटर mm मीटर हो गई यहाँ तक 20 मिलीमीटर मीटर थर्टी मिली मीटर फोरटी मिली मीटर अगर आप लोग देखें तो ये 40 मिलीमीटर mm मीटर तक तो कंफर्म है लेकिन 40 मिलीमीटर mm मीटर से थोड़ा सा ये आगे जा रहा है अभी 40 मिलीमीटर mm मीटर से आगे कितना है ये मुझे, मुझे मालूम नहीं है लेकिन 40 तक कन्फर्म है तो आप लोग लिख लेंगे कि फ़ोर्टी मिली मीटर ये हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूँगा सॉरी फोरटी नहीं हाँ ये फोरटी है ठीक है तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी फोर्टी मिली मीटर ये तो कंफर्म हो गई अभी वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग में आप लोगों ने लीस्ट काउंट को पहले लिखना होगा तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना है जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो पॉइंट ज़ीरो मिलीमीटर मिली मीटर इसको मैं लिख दूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा बेस्ट कंसाइड नंबर के साथ बेस्ट कंसाइड नंबर का मतलब ये है कि कौन सा नंबर इस वर्नियर स्केल का नीचे इस ज़ीरो के साथ या किसी भी नंबर के साथ ये कंसाइड करता है तो आप लोग ग़ौर से देखें यहाँ पर कौन सा नंबर बेस्ट कंसाइड हो रहा है ज़ीरो देखें ज़ीरो तो कंसाइड नहीं कर रहा ज़ीरो के बाद ये वाला हिंसा ये भी किसी नंबर के साथ कंसाइड नहीं कर रहा वन को अगर मैं देखूँ तो इसमें भी इतनी कंसिडेंस नहीं है ये भी इतना नहीं है और अगर टू को मैं देखूँ देखे टू वाला ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ कंसाइड कर रहा है और इसके अलावा एक तो टू हो गया अभी मैं चेक करना चाहता हूं कि इससे भी और अगर बेस्ट है तो फिर मैं उस नंबर को ले लूँगा अगर बेस्ट नहीं होगा तो फिर हम इसी नंबर को ले लेंगे देखे थ्री कंसाइड नहीं है ये भी कंसाइड नहीं है ये भी कंसाइड नहीं है आप लोग इस तरह देखे देखे आखिर तक देखे ट्वेंटी नंबर तक मैं चला गया लेकिन कोई नंबर कोई भी लाइन ऊपर किसी लाइन के साथ बेस्ट कंसाइड नहीं कर रहा तो मैं यही लाइन को ले लूँगा और ये किस नंबर पर है ये लाइन हमारा देखें वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नंबर लाइन जो है ये बेस्ट कंसाइड कर रहा है तो मैं यहाँ पर बेस्ट कंसाइड नंबर कौन सा लिखूँगा फ़ाइव लिख दूंगा और जब मैं इस ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव अभी मेन स्केल रीडिंग भी मालूम हो गई वनियर स्केल रीडिंग भी मालूम हो गई और दोनों को अभी मैं ऐड कर लूंगा तो वो फाइनल हमारा आंसर होगा ठीक है तो यहां पर अभी आप लोग मेन रीडिंग किस तरह होगी या इस तरह भी लिख लेंथ ऑफ़ द रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट एक है फोर्टी मिलीमीटर mm प्लस कर लेंगे किसके साथ ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है जीरो पॉइंट टू फाइव मिलीमीटर के साथ ठीक है तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूँगा तो ये आ जाएगा फोर्टी पॉइंट टू फाइव मिली मीटर तो ये आप लोगों का फ़ाइनल आंसर मालूम हो गया ठीक है और इसी तरह ये हमने फ़ाइंड कर दिया है किस चीज़ को इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को हमने फ़ाइंड कर लिया है अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास ये भी नोट कर लेट सपोज़ अगर मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ और वो ऑब्जेक्ट इस तरह मुझे मिल जाए ठीक है इस तरह अगर आ जाए अभी इन दोनों में अगर आप लोग देखें अगर मैं अभी रीडिंग लूँगा ना तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ग़ौर से नोट करना है मेन स्केल रीडिंग आप लोग मुझे बताए मेन स्केल रीडिंग क्या है देखिए फिफ्टी तक तो फिफ्टी मिलीमीटर mm हो गए लेकिन फिफ्टी के बाद ये वन टू थ्री फोर फाइव 55 मिलीमीटर mm बिल्कुल एग्जैक्ट है तो जब यहाँ पर 55 मिलीमीटर mm मिली एग्जैक्ट होंगे तो फिर वर्नियर स्केल के रीडिंग की लेने के लेने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये 55 मिलीमीटर mm मिली है ये दूसरा एग्जांपल हो गया तीसरा एग्जांपल लेके लेट सपोज़ अगर ये इस तरह हो तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर मैं रीडिंग लूँगा ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है आप लोग अभी इसको खुद कर ले शाबाश तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर अभी क्या आएगी मेन स्केल लीडिंग है नाइन नाइन तक है तो मतलब यह है कि नाइन्टी मिली mm और नाइन्टी के बाद वन भी है तो नाइन्टी वन मिली ये मेन स्केल लीडिंग हो गई और अभी वन ईयर में आ, आप लोग बेस्ट कंसाइड नंबर चेक करेंगे तो बेस्ट कंसाइड नंबर अगर आप लोग खुद लें तो खुद ढूँढ लें नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें बेस्ट कंसाइड नंबर कौन सा है तो यहाँ पर मुझे जो बेस्ट कंसाइड नंबर नज़र आ रहा है वो फाइफ वाला है ठीक है इस फाइव को आप लोग चेक कर ले तो फाइफ ये किसते नंबर पर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन नंबर आप लोगों का ये है ठीक है तो एलेवन मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर एलेवन मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव के साथ तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोग नाइन्टी वन मिलीमीटर के साथ फिर ऐड कर लेंगे वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा ठीक है तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी माइक्रोमीटर और वन ईयर के लिए पर दोनों क्लियर होंगे और कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को अभी नहीं होगी ठीक है अपना बहुत बहुत ख्याल रखना ओके अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच